Hello everyone, this is Ashish. In this video, we will do another chapter of income tax, that is income from capital gain. देखिए, स्टार्ट करने से पहले, दैट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, आपको लग रहा होगा कि सर, इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा हैवी है, देर आर सो मच थिंग्स टू लर्न. देखिए, इनकम टैक्स में आपको दो बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि एक तो जब भी आप कोई भी चैप्टर अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, सो आपको देखिए पेशेंस लेवल बहुत अच्छे से रखना है. दैट मीन्स जितना आराम से हो सके उतना आराम से करो, जितना आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं उतने करो, ठीक है. एंड जैसे ही आपके कोई भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए थियोरेटिकल वाइज, तब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो. जहाँ जहाँ जो जिनसे भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपके जितने भी रेफर बुक्स हैं उन सबके अच्छे से प्रैक्टिस करो. उसके बाद जैसे ही आपके कोई भी एक चैप्टर आपने एक बार अच्छे से कर लिया, उसके बाद उसी चैप्टर को आप कम से कम 3-4 टाइम्स उसको रिपीट करो. उसमें क्या होता है कि जब आप देखिए फर्स्ट टाइम करते हो, तब आप सिर्फ अपनी क्लैरिटी क्लियर करते हो कि चैप्टर में है क्या, लेकिन सेकेंड टाइम में आप एक तो उसको एनालाइज करते हो कि उस चैप्टर में क्या है, गवर्नमेंट ने क्या करना, उसमें आने कहाँ कहाँ फॉल्ट है, कैसे कैसे आप टैक्स सेविंग कर सकते हो, आप सब कुछ एनालाइज करोगे. तो देखिए, इनकम टैक्स का मज़ा तब आता है जब आपको सब कुछ याद हो, और याद कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे. सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, ठीक है. देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप देखिए, जैसे बचपन में बहुत ही छोटे बच्चे बोलते हैं कि नहीं, मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा, मतलब मैथ्स 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 मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है. देखिए, डिफिकल्ट इन द सेंस होता है कि या तो उसका उस सब्जेक्ट में या तो मतलब मन ही नहीं है, ठीक है, या तो वो बहुत ध्यान लगाता है बट फिर भी उसके कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाते हैं जिससे उसके मार्क्स कम आ जाते हैं. मोस्ट बेटर वे है, देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको पीछा छोड़ना है, तो पहले तो मैं कहूँगा आप उस सब्जेक्ट के पीछे बढ़ जाओ. उस सब्जेक्ट के पीछे आप हाथ धो के पीछे आओ, नहीं ये तो करना है, ठीक है. लेकिन आप अगर आप उससे सब्जेक्ट से पीछे रहे, तो वो सब्जेक्ट आपको जिंदगी भर पीछे नहीं छोड़ेगा. सो इससे अच्छा है कि आप सब्जेक्ट के पीछे खुद ही पढ़े रहो कि इस सब्जेक्ट में है क्या, उसकी अच्छे से क्लैरिटी करो, ठीक है. चलिए, लेक्चर ज़्यादा हो गया, स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. देखिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मैं स्टार्ट करूंगा. जैसे मान लीजिए, आप मान लीजिए एक किसी एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, ठीक है. और उसके अंदर आप समझिए वो सब क्या है, कैपिटल एसेट है, या कैपिटल गेन अराइज होगा, वो क्या हम बताएगा, कैपिटल गेन. यानी कि इस रूम में अगर आप जैसे एंटर करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कैपिटल गेन है या नहीं है. जैसे देखिए, हमने सैलरी में पढ़ा था, चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था हमने, फिर हमने चार्जिंग सेक्शन हाउसबोटिंग में पढ़ा था, ठीक है, फिर हमने चार्जिंग सेक्शन हमने पीजी में पढ़ा था. ऐसे हर चैप्टर में अलग अलग चार्जिंग सेक्शन है. चार्जिंग सेक्शन बेसिकली बताता क्या है, स्कोप बताता है. स्कोप इन द सेंस, मान लीजिए अगर आपकी कोई भी इनकम कहीं से भी अराइज हुई हो, ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन क्या करता है, चेक करता है कि आप इस रूम में एंटर होने के लायक हो या नहीं हो, ठीक है. यानी कि कुछ कंडीशन होती है. जैसे देखिए, हमने पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी, उसमें दो कंडीशन थी. पहले एक कंडीशन थी, उसमें जो इनकम है वो कौन सी इनकम होती है, रेंट फ्रॉम दी हाउस प्रॉपर्टी. एंड सेकेंड वन इज ओनर. ओनर और रेंट अगर दोनों हो रही है, तब आपकी इनकम जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अराइज होगी, ठीक है. ऐसे ही कैपिटल गेन है. दैट मीन्स अगर आपने इस सेक्शन चार्जेस के, अगर कोई भी चार्जेस सेक्शन आ गया उसी कंडीशन फुलफिल कर दी, तब आप कैपिटल गेन में एंटर कर सकते हो, ठीक है. तो देखिए, जैसे देखिए नाम से सजेस्ट है, कैपिटल गेन मतलब एसेट प्लस सोल्ड इक्वल टू इनकम विच इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल गेन. मतलब अगर आपने कोई भी एसेट एसेट को अगर सोल्ड किया, बेचा, तो उससे होने वाले जो इनकम अराइज होगी उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन. नाम से तो यही सजेस्ट है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. कोई भी एसेट बेचो, उससे होने वाली इनकम को क्या बोलेंगे हम, कैपिटल गेन. चलिए, अब डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा और ब्रीफली. यहाँ पर जो एसेट वर्ड लिखा है वो गलत लिखा है, कि एसेट नहीं होता. सर, अभी तो आपने बोला कैपिटल गेन, और एसेट को बेच के ही तो इनकम अराइज होगी. अगर एसेट को बेचेंगे नहीं, तो फिर इनकम कौन से अराइज होगी, आपने तो एसेट को काट दिया.
एसेट को तो मैंने काट दिया, क्रॉस लगा दिया। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये रेज होता है, कौन सी एसेट? एसेट इन द सेंस कैपिटल एसेट। सर अच्छा, कैपिटल इन द सेंस जो रेगुलर बेसिस पे नहीं बेचते, यस वो कैपिटल एसेट। ठीक है, ऐसे ही देखिए मैंने वर्ड लिखा सोल्ड, ये भी गलत वर्ड है सर। बेचेंगे नहीं तो फिर बेचने से काम नहीं चलता। यहाँ पर एक इसका एक वाइडर टर्म लाना पड़ेगा जिसका दूसरा नाम है ट्रांसफर। सर ट्रांसफर मतलब सर बेचने, बेचना ट्रांसफर से अलग है। और यहाँ पर जब हमने सोल्ड वर्ड लिख दिया मतलब बेच दिया, तो बेच के ही तो कैपिटल गेन अराइज होगा। आप लिख सकते हो सर कैपिटल गेन प्लस सोल्ड इक्वल टू इनकम विच इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल गेन। देखिए जैसे मैंने आपको भी बोला कि सोल्ड वर्ड यानी सेल वर्ड जो है वो छोटा टर्म है एंड ट्रांसफर वर्ड जो है वो एक बड़ा टर्म है। सर मतलब हमको समझ नहीं आया। देखिए मान लीजिए कोई एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसने जो है आपको डिवेंचर इशू किए हुए हैं और उसका एक रिडीमेबल पीरियड है, दैट इज मान लीजिए 3 3 ईयर्स का एक रिडीमेबल पीरियड है। दैट मीन्स 3 साल बाद वो शेयर जो वो डिवेंचर जो कंपनी ने रिडीम कर लेगी। सो जैसे ही लॉकिंग पीरियड ओवर हुआ, कंपनी ने वो शेयर जो वो रिडीम कर लिए, यानी कि अपने ही शेयर जो उन्होंने वापस ले लिए। सो क्या आपने वो शेयर वो कंपनी को बेचे? जी नहीं, उन्होंने तो कंपनी से अपने शेयर वापस ले लिए। ठीक है, तो क्या इसको आप सोल्ड बोलोगे? सेल तो बोलोगे नहीं, तो इसका तो पब्लिक फायदा उठा लेगी क्योंकि सेल तो आया ही नहीं है। कैपिटल असेट तो है लेकिन सेल वर्ड है क्योंकि ये तो ट्रांसफर हुआ, तो इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर वर्ड ट्रांसफर यूज करना पड़ा इंस्टेड ऑफ सोल्ड। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी के हम क्या करते हैं, राइट्स जो है इशू कर देते हैं कि आप ये लो मैंने आपको राइट दे दी है। तो राइट देना भी जो वर्ड वो वर्ड है वो आपका ट्रांसफर में है। अभी हम इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे कि ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर में ऐसे बहुत सारे नंबर्स एग्जाम्पल हैं जहाँ जहाँ पर जो है सेल वर्ड छोटा हो जाता है एंड ट्रांसफर एक वायर टर्म हो जाता है। अभी मैंने आपको सिर्फ दो ही वो एग्जाम्पल दिए हैं, एक तो डिवेंचर वाला और एक राइट वाला। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इसी को ध्यान रखो कि ट्रांसफर जो है इज बेसिकली अ वायर टर्म, और यू कैन से सोल्ड वर्ड इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ ट्रांसफर। ओके, अब आप लिख सकते हो इसको कि अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी तो उससे होने वाली जो इनकम अराइज होगी दैट इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल गेन। ठीक है, अच्छा सर ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये सब लिखा हुआ आपका सेक्शन 45(1), ये चार्जिंग सेक्शन है इन कैपिटल गेन का। जैसे मैंने आपको बताया था, आप मान लीजिए एक रूम में हो, ठीक है, और रूम के बाहर एक दरबार में खड़ा हुआ है। अब उसके अंदर अलाउ तो आप करोगे जब आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल करोगे, यानी कि अगर आपने कोई कैपिटल एसेट उसको ट्रांसफर करी है तभी वो कैपिटल गेन अराइज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा सर आपने गेन वर्ड लिखा है, लॉस नहीं हो सकता? देखिए गेन का मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर मैंने गेन समझाया नहीं आपको। देखिए यहाँ पर गेन का मतलब यहाँ पर कैजुअल प्रॉफिट, कैजुअल प्रॉफिट दैट मीन्स कभी कभी होने वाला प्रॉफिट, उसको बोलते हैं गेन। ठीक है, सो यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। आप यहाँ पर गेन का मतलब सुन लो, यहाँ पर लॉस भी है, यानी कि नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी, दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चार्जिंग सेक्शन दैट इज 45(1). अब धीरे धीरे अगर डिस्कस करेंगे, पहले देखिए हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन की, कैपिटल गेन इन डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कैपिटल गेन, क्या सारे कैपिटल गेन को बेच के कैपिटल गेन अराइज होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर इज बेसिकली अ वैलिड टर्म। ठीक है, तो हम डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन कि कैसे कैसे कैल्कुलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम दूसरे सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन 214। ये किसके बारे में बताता है? ये आपको बताएगा कि कैपिटल एसेट क्या होती है। अब मैं पहले आपको एक टर्म लिखूंगा जो कि लॉ की लैंग्वेज में लिखी हुई है। देखिए लॉ में क्या लिखा हुआ है, एनी
kind of property. Held by assessee. Any kind of property held by assessee. कोई भी प्रॉपर्टी जो असेसी ने होल्ड की हुई है, अगर वो उसको बेच देता था है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एसेट। सर अभी तो आपने बोला कि कैपिटल एसेट कुछ को बोलते हैं, यहाँ पर आपने कहा एनी काइंड। जी हाँ, एनी काइंड। एनी काइंड का मतलब है यहाँ पर कौन सी एसेट, चाहे वो आपकी बिजनेस रिलेटेड एसेट हो, ठीक है, या फिर मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो। तो ये एनी काइंड का मतलब ये है, मैं लिख के देता हूँ। एनी काइंड का मतलब क्या है? मूवेबल, इमूवेबल, बिजनेस एसेट, या आपकी कोई पर्सनल एसेट। सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होगी उसको एसएससी ने जो होल्ड किया हुआ है उसको बोलते हैं कैपिटल एसेट। सर इसमें तो सारी एसेट इंक्लूड होगी। सर क्या मतलब, अगर मैंने मैंने वॉच पहनी हुई है, अगर वॉच को मैं कल बेच देता हूँ तो क्या वो मेरी कैपिटल अराइज होगी? या फिर सर हमारे घर में जो ट्यूबलाइट लगी हुई है इस रूम में, अगर मैं उसको कल बेच देता हूँ क्या ये भी मेरे लिए कैपिटल अराइज होगा? सर मैंने एक साल पहले आईफोन खरीदा था, मैं आज बेच दूँ तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन अराइज होगा क्या वो भी इसमें आएगा? अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। लॉ में देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय असेसी बट डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं है, क्या क्या इंक्लूड नहीं है? फर्स्ट, स्टॉक एंड ट्रेड, स्टॉक एंड ट्रेड यानी कि कोई भी आपने एसेट ऐसी होल्ड की हुई है जो कि बिजनेस रिलेटेड है। बिजनेस रिलेटेड इन द सेंस जो कि आप रेगुलरली उसका ट्रेड करते हो, यानी कि आज आपने उसको परचेस किया, कल आपने उसको बेच दिया और रेगुलर उसकी सेल परचेस कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्टॉक एंड ट्रेड। यानी कि ऐसा स्टॉक जो आपने बेचने के लिए रखा हुआ है, किसके लिए? अपने बिजनेस को, ठीक है। ये आपका बिजनेस है कि कोई भी एसेट आपने खरीदने के लिए, सॉरी बेचने के लिए उसको आपने खरीदा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें जब ये पहले बार जब लॉ बना था तो लॉ मेकर ने से यहाँ पर लिख दिया स्टॉक एंड ट्रेड, तो लोगों ने इसका जो फैक्ट्री थी तो उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया, क्योंकि बाद में गवर्नमेंट को रिलाइज हुआ कि इसमें एक वर्ड और ऐड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। सर मतलब रॉ मटेरियल को ऐड करने से लोगों ने क्या फायदा, से कैसे फायदा उठाया? जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसका जो इनपुट होता है उसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। एंड रॉ मटेरियल बेसिकली कन्वर्ट इंटू फिनिश गुड्स, तब उसको सेल आउट करते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि उसको कन्वर्ट करने के बाद ही उसको बेच सकें? रॉ मटेरियल तो इनपुट भी होता है, हो सकता है उसको खरीदा उसी की ट्रेडिंग चल रही हो, तो उस केस में रॉ मटेरियल वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा लॉ में करने, तो पब्लिक ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया। तो बाद में जब गवर्नमेंट ने इसको रिलाइज करा तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक लॉ में इसको एक वर्ड एडिशन कर दिया, रॉ मटेरियल। एक और वर्ड ऐड करा, दैट इज कंज्यूमेबल। तो स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल या फिर एनी काइंड ऑफ कंज्यूमेबल एसेट दैट डज नॉट इंक्लूड अंडर कैपिटल एसेट, ठीक है। नेक्स्ट वन, पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स मतलब सर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिसेंटली मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे वॉच, ट्यूबलाइट, क्लॉथ, ये सब क्या होता है आपके पर्सनल इफेक्ट्स, ठीक है। सो वो आपके कैपिटल एसेट में नहीं माने जाते हैं, इंक्लूडिंग मूवेबल एसेट्स। मीन्स मूवेबल हो, इमूवेबल हो, पर्सनल इफेक्ट्स माने, जैसे घर में अगर अलमीरा है, ठीक है, सो वो भी आपके पर्सनल इफेक्ट्स हैं। बट अलमीरा क्या आपका
वो सब दिखना पड़ेगा, तो इसमें मूवेबल इमूवेबल सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है। अच्छा सर, मतलब सर अगर मैंने अगर कोई ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वगैरह है तो वो भी पर्स में फिट से, तो क्या वो भी कैपिटल गेन है? जी नहीं, यहाँ पर आके आप फंस जाते हो। यानी कि अब गवर्नमेंट ने इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लिखी हुई है कि पर्सनल इफेक्ट्स कौन कौन से नहीं माने गए हैं। कौन कौन से नहीं माने गए हैं? ज्वेलरी, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, ज्वेलरी को आप कैपिटल एसेट होगा माना ही गया है। ठीक है, देखिए इनको छोड़कर, लेकिन इनको माना गया है। ठीक है, ज्वेलरी को कैपिटल एसेट माना गया है। ठीक है, ऐसे देखिए और भी बोला है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस क्या होते हैं? देखिए वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा से कोई मूर्ति है, ठीक है, जो काफ़ी एंटीक हो जाती है, तो काफ़ी बाद में जाकर बहुत महंगी बिकती है, तो आर्कियोलॉजी कलेक्शन को क्या हुआ, पर्सनल इफेक्ट्स तो माना गया है लेकिन उसको कैपिटल एसेट माना गया है। ठीक है, ऐसे इसके साथ साथ पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, उसको भी कैपिटल एसेट माना गया है। ऐसे ही स्कल्पचर्स, जैसे मूर्ति बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, ठीक है, तो उनको भी माना गया है। तो इसको जैसे शॉर्ट फॉर्म में नाम लेते हैं सबका, जेप्स, जे फॉर ज्वेलरी, ए फॉर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ई फॉर पेंटिंग, एस फॉर स्कल्पचर्स। दैट मीन्स दीज आर टू बी कंसीडर्ड एज कैपिटल एसेट, इनको कैपिटल एसेट माना गया है। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मूवेबल एसेट्स को पर्सनल एफेट्स को क्यों लेंगे, हम तो बच गए, अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने लिया, आप यहाँ बचने के उल्टा फंस गए। पर्सनल मूवमेंट इफेक्ट्स हैं, जैसे देखिए मैंने बोला वाला वॉच, फोन, ट्यूबलाइट, क्लोथ्स, ये सब बेच के गवर्नमेंट ने मना कर दिया कैपिटल एसेट नहीं है। तो ये मत समझना कि आप बच गए कि आपकी कैपिटल गेन अलाउड नहीं, उल्टा आप यहाँ पर लॉस हो रहा उल्टा आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 1 ईयर एगो आईफोन खरीदा, सपोज फॉर ₹50,000, क्या आप उसको आज 50,000 से अगर उसको बेच पाओगे? नहीं, हो सकता है वो 40,000 पे ही बिके, तो इससे तो आपको कैपिटल लॉस होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने गेम खेला के साथ, यानी कि पर्सनल इफेक्ट्स को तो गवर्नमेंट ने कैपिटल एसेट माना ही नहीं। और देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक और गेम खेल लिया कि जिस जिस पर्सनल इफेक्ट्स पे प्रॉफिट होना है उस पे गवर्नमेंट ने कैपिटल एसेट बोल दिया। ठीक है, तो ये मैं समझना कि गवर्नमेंट आप पे ज़्यादा सिंपैथी दिखा रही है। गवर्नमेंट ने देखा कि जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था उसको तो मना कर देगी, तो कैपिटल एसेट नहीं है, और जिनको जहाँ जहाँ से प्रॉफिट, जहाँ से टैक्स वसूल सकती है वो सब इंक्लूड कर दिया कैपिटल एसेट में। ठीक है, सो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था अपने, कि एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एसेसी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, बिजनेस एसेट हो, पर्सनल एसेट हो, उन सब को पहले गवर्नमेंट ने बोला कि ऑल एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज कैपिटल एसेट एक्सेप्ट दीज। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टॉक इन ट्रेड, एंड सेकेंड वन इज पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स इंक्लूड नहीं है एक्सेप्ट दीज, इन चारों को पर्सनल इफेक्ट नहीं माना गया है, या फिर इनको क्या माना गया है, कैपिटल एसेट माना गया है। क्या क्या? जेब्स, जे फॉर ज्वेलरी, ए फॉर आर्कियोलॉजी कलेक्शंस, पी फॉर पेंटिंग्स और ड्राइंग्स, एंड एस फॉर स्कल्पचर्स। चलिए, दो हो गए हमारे स्टॉक इन ट्रेड एंड पर्सनल इफेक्ट्स। नाउ थर्ड पॉइंट इज, यानी कि इसको भी, इस पॉइंट को भी कैपिटल एसेट नहीं माना गया है। क्या पॉइंट है वो? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। सर मतलब मीन्स अगर आपने, आपके पास कोई ऐसी जमीन है जो कि कहाँ पर है, गांव में है,
और उस जमीन पे क्या हो रहा है, खेती बाड़ी हो रही है, कल्टीवेशन हो रहा है, कहाँ पर, इंडिया में, तो उसको बेचने पर कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसको कैपिटल एसेट ही नहीं माना गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी जमीन जो कि गांव में बसी हो, गांव में हो, और उसका यूटिलाइज सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के लिए यूज हो रहा हो, तो उसको कैपिटल एसेट नहीं माना गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पर ये रूरल का मतलब क्या है? सर गांव मतलब गांव, आजकल तो गांव कम होते जा रहे हैं, शहर ज्यादा हो रहे हैं, तो मतलब गांव किसको बोलेंगे? गांव, ध्यान से देखिए इसको। पहले तो रूरल से पहले आपको देखना पड़ेगा कि अर्बन एरिया किसको बोला। गवर्नमेंट बोलते हैं कि आप अर्बन एरिया पढ़ लो, रूरल आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो रूरल एरिया मतलब क्या होता है? एनी एरिया अंडर म्युनिसिपैलिटी हैविंग लेस देन 10,000 और मोर। सर मतलब ऐसा एरिया जो कि म्युनिसिपैलिटी के अंडर आता है और जिनकी पॉपुलेशन 10,000 या 10,000 से ऊपर हो। सर 10,000 तो बहुत मामूली है, हाँ लिखा हुआ है, लेकिन बहुत पुराना लॉ, गवर्नमेंट ने तो इसको चेंज ही नहीं करा। बस आपको ये देखना पड़ेगा कंडीशन ये मेन है, मेजर कंडीशन ये है। देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग म्युनिसिपैलिटी होती है, जैसे जैसे पानी का अलग होता है, बिजली का अलग होता है, बिजली का अलग होता है, मेंटेनेंस का अलग होता है। ठीक है, तो उस इसके म्युनिसिपैलिटी अगर वहाँ पर अंडर हैं तो उसको हम अर्बन एरिया बोलेंगे, अदरवाइज उस एरिया क्या बोलेंगे? रूरल एरिया बोलेंगे। यानी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, दोनों कंडीशन 10,000 और मोर एज वेल एज म्युनिसिपैलिटी, तो उसके बोलेंगे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। अच्छा, अब जरा एक पॉइंट पे देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये है अर्बन एरिया यानी कि शहर एरिया है। अब उसके आसपास मान लीजिए कोई गांव है, तो सर क्या इसको हम रूरल एरिया बोलेंगे जो इसके बाउंड्री में है? अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए। देखिए जो अर्बन एरिया है वहाँ का देखिए जो लाइक जो कल्चर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो वो अलग होगा। लेकिन जो इसके आसपास का जो गांव है, एरिया है, क्या वो इससे ज़्यादा डिफरेंट होगा? आपको सोचिए, देखिए जो एरिया ये कवर कर रहा है, दैट इज दिस जो मैंने येलो एरिया बनाया है, ये तो इसके आसपास ही है, तो इसका जो स्टैंडर्ड लिविंग है या जो कल्चर है वो ज़्यादा तो डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम जो अगर हमें रूरल एरिया अगर उसको हमें बोलना है तो उसकी हमें कुछ कंडीशन फुल भी करनी पड़ेगी। सर क्या मतलब? जैसे देखिए गवर्नमेंट ने इसकी एक डेफिनेशन बताई है कि किस किस एरिया को हमें कब तक हमें अर्बन बोलना है, कब तक हमें रूरल बोलना है। जैसे देखिए अगर अर्बन एरिया की पॉपुलेशन मोर देन 10,000 एंड अप टू 1 लाख, ठीक है, तो 2 किलोमीटर तक एरिया तक, यानी कि जो मैंने ये जो एरिया बनाया ना, ये येलो क्वेश्चन में 2 किलोमीटर तक एरिया, ये भी क्या माना जाएगा? अर्बन माना जाएगा। अगर बियॉन्ड 2 किलोमीटर ऊपर होगा वो सारा क्या माना जाएगा? रूरल मानेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए और क्राइटेरिया बनाया गवर्नमेंट ने कि अगर पॉपुलेशन जरूरी ढूंढना कि सिर्फ 10,000 से 1 लाख की, उससे ऊपर भी हो सकती है, अगर 1 लाख से ऊपर अप टू 10 लाख है तो फिर हम देखेंगे 6 किलोमीटर तक वो एरिया अर्बन एरिया ही माना जाएगा। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है, अगर 10 लाख से अबव हुआ तो फिर अप टू 8 किलोमीटर तक उसको क्या मानेंगे? हम अर्बन एरिया मानेंगे। ठीक है,
यानी कि इसको डिवाइड कर दिया किसमें, 2 किलोमीटर पे, 6 किलोमीटर पे एंड 8 किलोमीटर पे। ये डिपेंड कर किस पे करता है, इसकी पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो जितने जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे इसकी बाउंड्री बढ़ जाएगी अर्बन में। ठीक है, तो ये बताया है किसमें, थर्ड पॉइंट में, दैट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, दैट इज गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड स्कीम, देखिए ये स्कीम इसलिए आई थी इन द ईयर 1999। उस ईयर में क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए ये कौन है गवर्नमेंट, ये कौन है कोई एक इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट इससे बात कर रही है। गवर्नमेंट ने इससे पूछा कि सुना है आपके पास बहुत सारा गोल्ड रखा हुआ है, ये बोलता जी हाँ है। ये कौन है, मान लीजिए राम है, राम जी बोलते हाँ जी है। तो आपको क्या सुना है कि आपको स्टोरेज में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको रखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, आपके पास गोल्ड इतना सारा है। राम बोलते हैं हाँ, तो आप ये बताइए आपको मेरे गोल्ड से क्या मतलब है। नहीं, वो तो ठीक है लेकिन सुना है कि उसमें आपको लॉकर रखना पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं बैंक में। अब राम का जो पेशेंस लेवल था वो थोड़ा इम्बेलेंस हो गया। राम बोलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, अब इसकी बारी आती है राम की कि सरकार ये बताओ कि आप कहना क्या चाहते हो, आप पूरी बात बताइए। गवर्नमेंट बोलती है देखिए चलिए हम आपको पूरी बात बताते हैं। देखिए हमें चलानी है इकोनॉमी, हमें जो है करेंसी नोट्स प्रिंट करने पड़ते हैं, तो उसकी हमें गोल्ड के जो प्लेट्स की ज़रूरत होती है। सो हम सोच रहे हैं कि बाहर से अगर इम्पोर्ट करेंगे गोल्ड तो हमें ज़्यादा महंगा पड़ता है, और जब गोल्ड जो हमारे देश में ऐसे ही पड़ा है यूटिलाइज नहीं हो रहा तो क्यों ना हम उसे ले लें। तो अब राम ने ऑब्जेक्शन उठाया, मतलब कि राम राम बोलता है कि क्या मतलब आप, क्या आप, मैं आपको गोल्ड ऐसे ही दे दूँ। नहीं, गवर्नमेंट बोला कि नहीं 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 ऐसे क्यों, हम आपको उसको ब्याज देंगे। अच्छा कितना ब्याज होगा, यही कुछ मामूली, फिर भी कितना, यही 0.5% बस, यानी कि 6% पर है ना। जी हाँ, मतलब मैं आपको अपना सारा गोल्ड ले देता हूँ और बदले आप मुझे ब्याज दोगे। नहीं नहीं मतलब जब आप इसको बेचोगे, जब आपको जरूरत हो तब उस टाइम की जो मार्केट वैल्यू होगी उसमें आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। अच्छा लेकिन ये ब्याज तो बहुत कम है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है। गवर्नर अच्छा ठीक है शांत हो जाइए। देखिए गवर्नमेंट ने इसका बहुत इस पर डिस्कशन किया कि नहीं हमें जो है इम्पोर्ट कम करना है गोल्ड, और जो हमारी कंट्री में गोल्ड रहा है उसका हमें फुल यूटिलाइज करना है। सो गवर्नमेंट को एक ऐसी स्कीम निकाली थी जिससे पब्लिक जो यहाँ पर आके अपना एक गोल्ड जो डिपॉजिट करते गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने बोला देखिए आपके पास आज 1 लाख रुपए का गोल्ड है। जी हाँ है। अगर मान लीजिए आप इसको 30 साल बाद बेचते हैं तो इसकी वैल्यू मान लीजिए 50 लाख होगी, तो इस पे आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। हाँ वो तो देना पड़ेगा, वो आपको नहीं देना। मतलब यही तो हमारी स्कीम है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड स्कीम। मतलब आप हमारे पास गोल्ड डिपॉजिट कीजिए, हम आपको इस पे एनुअली आपको इस पे 6% पर एन आपको इंटरेस्ट भी देंगे, प्लस जब भी आप इसको बेचोगे तो उस पे आपको जो भी गेन अराइज होगा वो कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, यानी उस पे टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा राम बोलते अच्छा ये होगी ना बात। अब जैसी स्कीम आई बैंकों में बहुत भीड़ लग गई, क्योंकि बदले में यहाँ पर देखिए क्या होता है कि राम को मिला क्या, एक पेपर, एक बॉन्ड मिला जिसमें गोल्ड का वेट सब कुछ लिखा होता, मेंशन लिखा, डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा हुआ था, एंड राम इसको बाद में कभी भी इसको बेच सकता था। अब देखिए पेपर फॉर्म में है, स्टोरेज की नीड नहीं है, लॉकर का खर्चा बच गया, ठीक है, और ज़्यादा टेंशन में नहीं है, इजिली कैरी भी कर सकता है इसको। ठीक है, तो इससे राम या उससे जो जिनके पास उस टाइम पर गोल्ड था
उस टाइम ये बहुत बढ़िया स्कीम साबित हुई। बट एक उसके बाद और ऐसे ऐसे स्कीम आते रही, जैसे देखिए 1990 के बाद एक और स्कीम आई थी, जो स्कीम आई थी वो फ्लॉप हो गई थी। बिकॉज देखिए इसमें तो चलिए लोगों को यहाँ पर एक बॉन्ड मिल गया था। एक और आई थी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड स्कीम, उसमें यहाँ पर बोला था कि अगर आप जब भी बेचोगे सो आपको हम उस मार्केट की वैल्यू से आपको हम एक गोल्ड बिस्किट देंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक लेडी है, उसने अपनी ज्वेलरी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में डिपॉजिट किया, और जब उसको इस ज्वेलरी की जरूरत थी, मान लीजिए अपनी बेटी की शादी करानी थी, तो सरकार ने उसको वापस कर दिया ये एक गोल्ड बिस्किट। अब वो गोल्ड बिस्किट पर क्या करेगी, और उसको भी उस पर वो लाइक काफ़ी खर्चे होंगे उस पर, पहले गोल्ड को भी ज्वेलरी में चेंज कराना, कन्वर्ट कराना, सब कुछ, मेंटेनेंस चार्जेस, सब पता नहीं क्या क्या चार्जेस लगेंगे, मेकिंग चार्जेस पता नहीं क्या क्या लगेंगे। तो इस पर जो बर्डन किस पर आया था, इन पर्सन पर आता था। तो ये जब ये स्कीम आई तो वो काफ़ी फ्लॉप हो गई थी, बट गोल्ड बॉन्ड जो स्कीम आई थी दैट इज इन 1999, वो काफ़ी अच्छी साबित हुई थी। इसके बाद एक और डिपोजिट जो कि आजकल चल रही है, दैट इज सोवरन गोल्ड बॉन्ड। सोवरन गोल्ड बॉन्ड आपने सुना भी होगा, मैंने इस पे एक कंप्लीट अच्छी इन डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको उस पे देखना है तो आप देख सकते हो। देखिए सोवरन गोल्ड बॉन्ड बेसिकली कहता है दैट इज बेसिकली इशूड बाय आरबीआई अगेंस्ट मनी, इन द सेंस आप गवर्नमेंट बोलती है कि आप हमारे सोवरन गोल्ड बॉन्ड खरीदो और कैश दो। कैश इन द सेंस मतलब वो कैश नहीं, पेपर वाले फॉर्म में, करेंसी नहीं, मतलब कैश इन द सेंस इन डीमैट फॉर्म। डीमैट फॉर्म तो चेक से डिपॉजिट करो या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर दो, कैसे भी कर दो, बट मनी टर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इससे डिफर कैसी है, दैट मीन्स गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड सोवरन गोल्ड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर ये डिफरेंस है कि पहले तो गवर्नमेंट ने इसको कैपिटल एसेट माना गया है, ये कैपिटल एसेट है, इसको मैं फिफ्थ पॉइंट नहीं लिखता, फोर्थ पॉइंट में से बोलना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सोवरन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड डिपॉजिट एक ही तो नहीं है, ये अलग है, इसको कैपिटल एसेट माना गया है, ये नहीं है, ये कैपिटल एसेट नहीं है। फोर्थ पॉइंट ए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पॉइंट कैश, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सन इफेक्ट्स, रूरल एग्रीकल्चर लैंड एंड गोल्ड डिपॉजिट बोर्ड, ये चार हैं, लेकिन सोवरन गोल्ड में आपका कैपिटल एसेट है। लेकिन इस पर गवर्नमेंट ने क्या रिलेशन दिए, हम देखो गवर्नमेंट ने स्कीम में क्या चीज़ बताई है। फर्स्ट पॉइंट बताया है दैट इफ एनी एसेसी ट्रांसफर बिफोर द रिडेम्पशन पीरियड, सपोज 3 ईयर है, सॉरी सपोज अगर मान लीजिए आप सोवरन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, कैश पे कर दिया, चेक दे दिया, ड्राफ्ट दे दिया, या आपने डीमैट फॉर्म से दे दिया, 3 साल तक आप उसको अगर आप बेच नहीं सकते, लाइक अगर आपने बेच दिया जरूरत हुई तो 3 साल से अगर पहले बेचा तो ये टैक्सेबल होगा, और अगर 3 साल के बाद बेचा तो फिर ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ने पहले तो ये बोल दिया कि ये तो कैपिटल एसेट है, क्योंकि पहले तो मानना पड़ेगा ना कैपिटल एसेट है, तभी तो गवर्नमेंट इसको टैक्सेबल कर नहीं कर पाएगी, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने बोलते कि टैक्सेबल ही नहीं है, तो फिर चाहे 3 साल पहले भेजो तब बाद भेजो, बातें खत्म हो जाती। तो पहले गवर्नमेंट ने बोला कि ये कैपिटल एसेट है, बट ये टैक्सेबल तब होगा अगर उसको आफ्टर मैच्योरिटी उसको अगर आपने ट्रांसफर किया, तभी उस पर टैक्स, तो सॉरी बिफोर किया मैच्योरिटी तो टैक्सेबल है, आफ्टर मैच्योरिटी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड सोवरन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, आई होप आपको ये अब तक टॉपिक समझ आएगा। तो देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा सेक्शन 45(1) यानी कि बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है, जिसमें दो कंडीशन है कि कैपिटल एसेट प्लस ट्रांसफर, ये अगर दोनों मिक्सअप होगा तो क्या होगा, आपका कैपिटल गेन अराइज होगा। फिर हमने पढ़ा कैपिटल एसेट किसको माना गया है, कैपिटल एसेट मीन एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज मूवेबल, इमूवेबल, बिजनेस, पर्सनल, कुछ सब कुछ, किस किस को हटाकर, एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल गुड्स, देन पर्सनल इफेक्ट्स, देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड एंड देन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। इन 4 पॉइंट को छोड़कर बाकी सब के आपके कैपिटल एसेट। अच्छा, पर्सनल इफेक्ट्स में आपके क्या क्या इंक्लूड हैं, जेब्स दैट इज ज्वेलरी, आर्कोलॉजी कलेक्शंस, पेंटिंग एंड ड्रॉइंग्स एंड देन स्कल्पचर्स। ठीक है, सो ये हमने पढ़ लिया दैट इज सेक्शन 45(1) की कैपिटल एसेट किस किस को माना गया है। आगे पढ़ते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज
कैपिटल गेन। सर हम तो वही पढ़ रहे हैं, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। फर्स्ट वन इज एस टी सी जी एंड एल टी सी जी। वैसे तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा इन डिटेल अच्छे से कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन बताना चाहता हूँ, डिटेल बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इन दोनों में डिफरेंस क्या है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन द सेंस, कोई भी अगर आपने कैपिटल एसेट जो हमने ऊपर पढ़ा कि किस उस कैपिटल एसेट माना गया है, अगर उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग एसएससी ने जो पीरियड ऑफ होल्डिंग किया हुआ है अगर कुछ टाइम के लिए किया हुआ है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर लॉन्ग टाइम में रखा हुआ है और फिर आपने उसको बेच दिया तो उसके बाद हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, जैसे मान लीजिए नॉर्मली अगर मान के चलें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो पीरियड मान लीजिए कितना है, 1 साल है। अगर मान लीजिए कोई भी कैपिटल एसेट अगर आपने 1 साल के पहले पहले बेच दी तो कौन सी गेन अराइज होगी, एस टी सी जी दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर 1 साल बाद आपने वो कैपिटल एसेट बेची तो उसका बोलेंगे एल टी सी जी दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा देखिए, जब गवर्नमेंट ने लॉ मेकर ने जब ये बनाया था दैट इज फाइनेंशियल मिनिस्टर रहते हैं तब उस टाइम जो रेट था तब एस टी सी जी, अभी आज रेट है जैसे मान लीजिए आज का रेट है एस टी सी जी पे दैट इज 15% एंड एल टी सी जी पे क्या है 20% है। जब पहली बार आया था तब भी यही रूल था कि एस टी सी जी पे रेट कम था एंड एल टी सी जी पे ज़्यादा था। तो अब आप रेट को हिसाब अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली आप भी देखोगे कि एल टी सी जी ज़्यादा बेनिफिशियल है एस एस सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए आपने कोई भी एक कैपिटल एसेट बेची मान लीजिए 4 रुपीज 100 लाख और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, देखिए बचपन में आपने प्रॉफिट आपने पढ़ा हुआ है सिंपल फॉर्मूला सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, वही लिख रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं लिखा मैंने। तो कॉस्ट क्या है, मान लीजिए आपने जब उसको खरीदा था तब आपने उस पर कितना खर्च किया था, 60 लाख रुपये। तो दैट मीन्स आपको गेन कितना आ राइज हुआ, दैट इज 40 लाख। अब आप एज पर दिस रेट देखोगे तब आपका देखिए टैक्स कितना बन जाएगा, 15% ऑफ 40 लाख दैट इज ₹6 लाख। ये तो आपका क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि टैक्स आप इस पे दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम एल टी सी जी पे। देखिए कैप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे मना होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर आप ज़्यादा रखते हो उसके बाद अगर आप बेचते हो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए रेट जो कि ज़्यादा था एल टी सी जी का, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा इसका अपोज करती रही है और पब्लिक को एक तरह से हमेशा बोलती रही है। जैसे जब फर्स्ट टाइम बना था तब गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले गवर्नमेंट ने लोगों को प्रमोट किया था कि आप एस टी सी जी में ना जाके आप एल टी सी जी के अप्रोच को फॉलो करें, लेकिन पब्लिक नहीं मानती थी कि पब्लिक को दिख रहे हैं यहाँ पर कि 15% है वहाँ 20% है, अगर कोई 1 साल के बाद जैसा तो वो 20% टैक्स क्यों देगा, तो 15% टैक्स देगा। ठीक है, तो वैसे तो देखिए गवर्नमेंट कांट इम्प्लीमेंट एनी कोअर्सिव डिसीजन सो दैट कि भाई इट्स ओनली अप टू दी असेसी व्हेनेवर दे फील कंफर्टेबल टू ट्रांसफर एनी काइंड ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से वो बेच सकते हैं, गवर्नमेंट कोई भी जो है कोई डिसीजन नहीं ले सकती कि नहीं आपको तो एल टी सी जी पे ही आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन गवर्नमेंट इसको अपोज क्यों करती थी, असली गवर्नमेंट का मानना ये था, वैसे तो होता भी यही है, एस टी सी जी क्या होता है, जैसे मान लीजिए शेयर्स आज के टाइम में होते हैं, आज खरीदे आज ही बेच दिए, आज खरीदे कल बेच दिए। ठीक है, तो ये रोज़ की ट्रेडिंग होती थी, तो इससे गवर्नमेंट में आता कि जो कैश होल्डिंग होती है वो हो नहीं पाती, मनी सर्कुलेशन बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो गवर्नमेंट ने इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप एल टी सी जी के अप्रोच को फॉलो करें, यानी कि जहाँ पर भी अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट परचेस करते हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो एटलीस्ट कुछ टाइम फिर तक उसको होल्ड रखें ताकि हमारे मनी सर्कुलेशन जो प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन पब्लिक है नहीं मानेगी, तो गवर्नमेंट ने एल टी सी जी में ऐसा कंसेप्ट लेके आई कि एस एस सी को ना चाहते हुए भी एल टी सी जी में अप्रोच को फॉलो करना ही पड़ा। जैसे देखिए
मैं यही सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए अगर आपने इसको बेचा 100 लाख पे किसी कोस्ट के, यानी कि जब आपने खरीदा था तो आपने कितने पे खरीदा था, 60 लाख पे। तो गुण होती है, हम इसको 60 लाख नहीं लेंगे, हम इसको 96 लाख लेंगे अगर आप LTCG लो करते हो तो। मतलब क्या मैं 4 लाख टैक्स दूंगा? जी हाँ, दैट इज 20% ऑफ 4 लाख, कितना हुआ? ओनली 80,000। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। लेकिन 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 ये 96 आया कैसे? सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन 96 मैंने तो खरीदा ही 60 लाख का था, तो मैं कॉस्ट इसकी 96 कैसे ले लूँ? वो मैंने कहा वो मेरी हेडेक है, मैं ऐसा काम बनाऊंगा कि इसकी वैल्यू 96 होगी। कई बार 96 या तो 100 भी हो सकती है, इवन 104 भी हो सकती है, लॉस भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा अगर आप ऐसा कहते हो तो ठीक है, आपको देखो कि LTCG 20% है, टैक्स रेट ज़्यादा है, लेकिन आप अमाउंट देखो तो LTCG में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं आपको सुनाता हूँ सिक्योरिटी, ऑब्वियसली दैट यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट थिंग कि गवर्नमेंट ने इसको 96 लिया कैसे। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा 2010 में और आपने उसको 2019 ईयर में उसको सोल्ड आउट किया। आपने जब इसको खरीदा था तो 50,000 में खरीदा था, और जब उसको आज बेच रहे हो, मान लीजिए 10 लाख में बेच रहे हो, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है उस पर कैपिटल गेन देना है। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको एक रिलैक्सेशन दिया, गवर्नमेंट ने बोला कि जब आपने उस गोल्ड को खरीदा था तब आपने उसको 50,000 रुपये खरीदा था। गो बोलती है कि ज़रूरी है कि जो 50,000 की जो वैल्यू वो आज वही सेम रहेगी? मतलब जैसे देखिए कोई 100 रुपीज़ की चीज़ है, आपने उसको 2000 में खरीदा था, 100 रुपये की चीज़ आ जाएगी, क्या 2019 में 100 रुपये में वही सेम आ जाएगा? पॉसिबल नहीं है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने बोला इसकी जो कॉस्ट जो हम असेस करेंगे, मेजर करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, वो हम एज पर इन्फ्लेशन रेट लेंगे। हो सकता है इस 50,000 की वैल्यू जो आज है, मान लीजिए वो कितनी 2 लाख है, तो फिर गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसपे कितना होगा? डिफरेंस ऑफ ₹10 लाख एंड 2 लाख, दैट इज 8 लाख पे जो टैक्स देना होगा, ना कि 9,50,000 पे। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि 96 आ सकता है, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट आप कुछ भी कोशिश कर लो, एसएससी को हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही फायदा होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं होता, ठीक है। तो ये था आपका कंसेप्ट, दैट इज देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ गेन, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हम डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसेट होती कौन कौन सी है। अभी हमने पढ़ा ऊपर सेक्शन 241 कि कैपिटल गेन किसको बोला है, क्या सारे कैपिटल गेन पे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, या फिर सारे कैपिटल गेन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल होगा, या फिर मतलब जो पीरियड ऑफ होल्डिंग वो सबके लिए सेम है। वही हमें डिफरेंस पढ़ना है कि किस किस के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और किस किस के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी हुई है कि ये सब सब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। जैसे देखिए लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड डिबेंचर्स, लिस्टेड बॉन्ड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ये आपको आई थिंक पता होना चाहिए कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। चलिए मैं इसको आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता कोई नहीं, सुन लीजिए। देखिए होता क्या है, ये एक स्कीम थी, जैसे मान लीजिए
एक कोई कंपनी होती है, वो क्या करती है, पब्लिक से फंड कलेक्ट करती है, जितनी पब्लिक है उन सबसे जो फंड कलेक्ट करती है। इसके बाद वो कंपनी क्या करती है, वो सारा पैसा जो है पब्लिक को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है, जैसे ज्वेलरी में, प्रॉपर्टी पे, इक्विटी पे, डिबेंचर्स में, अलग अलग जगह पे वो सब इन्वेस्टमेंट करती है। ऐसा क्यों करती है, ताकि एक अलग एक जगह पे ही जो वो रिस्क ज़्यादा ना हो, रिस्क को कम करने के अलग अलग ऐसे पोर्टफोलियो बनाती है जहाँ पर वो देखती है कि आने वाले टाइम में इन इन सेक्टर पे जो प्रॉफिट अराइज होने वाला है, तो उस पर उनका जो जितना भी रिटर्न मिलता है वो उनको मिल जाता है, बदले में उनको जो कमीशन मिल जाता है, दैट्स इट। ठीक है, सो इक्विटी मर्चेंट, इक्विटी ओरिएंटेड मतलब कहता है कि जो पोर्टफोलियो बनता है ना वो एक्चुअली इक्विटी ओरिएंटेड, में 65% होल्डिंग जो वो कम से कम इक्विटी की तरफ होती है, ठीक है ना। बाकी सारा कुछ भी हो सकता है, डिबेंचर्स, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, मतलब कुछ भी हो सकता है, कमोडिटी हो गया, सो बाकी सब वो 35% रहेगा, लेकिन कम से कम 65% क्या होता है, वो इक्विटी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट आपका यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सर अब ये क्या है, ये भी म्यूचुअल फंड है, सर म्यूचुअल फंड है तो फिर ऊपर क्या पढ़ा था हमने, वो भी म्यूचुअल फंड था, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए जो म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट है वो बेसिकली आपका एक फॉरेन ट्रेंड है, जिसमें से कि विदेशी स्कीम है आपकी। क्या हुआ था कि काफ़ी साल पहले जब ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो रहा था, तो क्या हुआ था कि लाइक सम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल दे आर एक्चुअली विजिटिंग टू दी पब्लिक होम, नॉक करते थे और फिर बोलते थे कि हमारे स्कीम है, आप हमारे स्कीम में पैसा लगाओ, इस पर जो रिटर्न होगा वो आपको मिल जाएगा। अब पब्लिक उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था, पब्लिक पे उससे भरोसा नहीं था कि नहीं हम कैसे कैसे पैसा लगा दें, ऐसे कैसे पैसा लगा दें। और ये बहुत पुरानी बातें नहीं, जब देश भी आज़ाद भी जस्ट हुआ हुआ था, तो फिर ये जब विदेशी स्कीम थी तब लोगों को हमेशा जो है जो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल जो आते थे हमेशा उनको खाली हाथ जाना पड़ता था, या कोई कस्टमर आता था हार्डली एक या दो आते थे, मतलब ज़्यादा लोग उन पर भरोसा करते हैं भी। तब ये गए, इन्होंने गवर्नमेंट का दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने उसको उनको पूरी एक स्कीम एक्सप्लेन करी, और उन्होंने वहाँ पर एक पॉइंट भी रेस करा अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि अगर पब्लिक अगर खुद इन्वेस्ट करेगी तो वो कहीं पर भी इन्वेस्ट करेगी, उनको इतनी नॉलेज नहीं है तो हो सकता है उनको लॉस भी हो जाए, इससे इकोनॉमी हमारी गिर सकती है। और उस टाइम देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम गवर्नमेंट को इकोनॉमी को उठाना था, और तभी हो सकता था जब पब्लिक जो है अपने पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से करें। सो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप मेरे पीछे आओ, अब हम दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब सरकार जाती, लोगों के घर में जाती थी, बोलती थी हमारी स्कीम है, अब वो थे गवर्नमेंट, अभी भी गवर्नमेंट ने देश को आज़ादी दी थी, पब्लिक तो आंख बंद करके बोली सर कितने का चेक काटना है, कितनी करनी है, जितना मर्जी आप करो, 500, 1000, 1500, जितना करना है आपको इन्वेस्ट करो। तो उस टाइम इसको बोलते थे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट की सुनती म्यूचुअल फंड थी लेकिन गवर्नमेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जीरो कूपन बॉन्ड। सर जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स नाम से जैसे जीरो, जीरो मीन्स ब्याज ही नहीं है, मतलब आप बॉन्ड, आपने आज बॉन्ड खरीदा तो इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सर मतलब पब्लिक बेवकूफ़ है जो जीरो कूपन बॉन्ड इन्वेस्ट करती है, बेवकूफ़ नहीं, वो आपसे ज़्यादा समझदार है, बेवकूफ़ आप हो कि आपको उसमें नॉलेज नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप भी दौड़ोगे उसके लिए। ये ऐसी बॉन्ड है कि लोग पागल हैं इसके पीछे, लोग सर मतलब समझाते हैं। इसमें क्या करती है, कंपनी एक बॉन्ड इशू करती है जिसकी फेस वैल्यू तो 100 रुपीज़ होती है लेकिन वो लेती आपसे 60 रुपये ही है, और कंपनी आपसे बोलती है कि 3 साल बाद आप उसको रिडीम, हम आपको वापस करेंगे 100 रुपये में, आप उसको बेच देना, मतलब आज आपको 60 रुपये देने हैं और 3 साल बाद आपको उसको 100 रुपये मिलना है,
अरे वाह, अब देखो ना कितनी बड़ी मजेदार बात है। अगर आप एनुअली इसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे अपना रेट ऑफ रिटर्न, तो वो 20% से ऊपर होगा, जो कि मोर देन इनफ है। 20% रेट तो बहुत ज़्यादा होता है एनुअली अगर आप देखो तो। क्योंकि मैंने कहा था ना आपको, जीरो कूपन बॉन्ड इतना मज़ेदार है कि लोग इसके पीछे पागल हैं। अच्छा वैसे अगर आप देखा जाए इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है, मतलब कि कंपनी इसकी फेस वाली 100 रुपये है और कंपनी आपसे सिर्फ 60 रुपये ले रही है, इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ से होता क्या है, बेसिकली कंपनी मान लीजिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, ठीक है। मान लीजिए वो प्रोजेक्ट, मैं एक स्मॉल यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है ना, मान लीजिए वो 60 रुपये का ही है, ठीक है, स्मॉल यूनिट ले रहा हूँ, 60 रुपये होती नहीं है, 60 लाख हो सकती है, 60 करोड़ हो सकती है, 60 अरब ले रही है। मैं सिर्फ एक स्मॉल यूनिट ले रहा हूँ एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है 60 रुपये का, अब कंपनी क्या करती है कि 60 रुपये पब्लिक से लेती है अलग अलग लोगों से। कंपनी को पता था कि जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए 2 साल बाद कंप्लीट हो गया, और जब भी इसको बेचेगी, तो मान लीजिए 2 साल कंप्लीट हो गया, अब थर्ड ईयर में इसको बेचेगी, तो तीसरे साल से इसकी वैल्यू कम से कम 200 रुपये होगी। ये कंपनी को पहले से पता था। और देखिए कंपनी अगर थी 60 रुपये लेती है आपसे, हैं 100 रुपये आपको वापस करेगी, 100 रुपये अपने पास रखेगी, मतलब इस कंपनी ने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं, आपके पैसे से, आपके आपके पैसे से कमाया, इसी को बोलते हैं जीरो कूपन। अब समझ जाओ बेवकूफ कौन बना, आप बने कि कंपनी बनी। देखिए ऐसी बात नहीं, बेवकूफ कौन नहीं बना, ये भी एक आपकी तरह की इन्वेस्टमेंट है। कंपनी भी तो इसमें देखिए इतना टाइम डिवोट कर रही है, कंपनी ने इस पर इतना रिसर्च किया है कि 60 के बदले 200 मिलेंगे, ठीक है ना। आपको तो बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं 60 के 100 रुपये, वो भी 3 साल में, तो इससे अच्छा मौका क्या आपके पास, ठीक है। हाँ जी, तो ये सब क्या है, बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ। तो इनका सबका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो कितना है, 12 मंथ्स पीरियड ऑफ होल्डिंग। मतलब अगर आपने इन सब यानी कि लिस्टेड शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ईओएमएफ, यूटीआई, जेडसीबी, अगर आपने इनको 12 महीने के अंदर अंदर बेच दिया, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अदरवाइज दे विल बी कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। तो 12 महीने तक इनका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। 12 महीने के बाद दे विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ओके। नेक्स्ट वन इज, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं अनलिस्टेड शेयर्स या फिर लैंड एंड बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, इनका जो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग पीरियड है वो कितना है, दैट इज 24 मंथ्स। यानी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर आप 2 साल के बाद बेचते हो, तो वो होगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। 2 साल से पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अदर एसेट्स, बाकी अगर कोई भी अदर एसेट्स हुई हो, सो उस पे आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो होगा ओनली अप टू 36 मंथ्स। यानी कि अगर कोई और एसेट अगर आपने 3 साल से पहले बेची तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, 3 साल के बाद बेची तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अनलिस्टेड डिबेंचर्स, अब आप इन दोनों लिस्ट में चेक करो कि अनलिस्टेड डिवेंचर्स कहाँ पे हैं, ना तो वो यहाँ पे हैं ना वो यहाँ पे हैं, तो वो कहाँ पर लाए करेंगे, अदर एसेट्स, ठीक है। कोई भी अदर एसेट्स हो, जैसे देखिए मैंने वहाँ पर ज्वेलरी नहीं लिखा, तो ज्वेलरी में क्या होगा, 36 मंथ्स, पेंटिंग्स 36 मंथ्स, ठीक है। यानी कि जो इन दोनों लिस्ट में नहीं आ रहा जो अदर एसेट्स में लाइव होगा, ठीक है, तो वो क्या, ये सब क्या हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट।
अब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसको बहुत ध्यान समझिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल से ज्यादा डिफिकल्ट है। देखिए जरा, कैपिटल एसेट विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, दैट्स इट। क्या सर आप मजाक करते हो, कहाँ डिफिकल्ट है, कहाँ इजी है। देखिए आपका माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है ना, नहीं बोलता तो आप रिलैक्स ज़्यादा। यानी कि कोई कैपिटल एसेट जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अभी मैंने वही तो ऊपर बताया, देखो ज़रा, अगर ये 12 महीने से ऊपर बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ये 2 साल बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ये 3 साल बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, वही तो लिखा मैंने, और कैपिटल एसेट विच इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, डेट्स इट। ठीक है, सो ये था आपका द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नाउ वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे अराइज होता है, कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है, कैसे टैक्स मिलता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे समझिए। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल।